सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को पता है जैसे कि होली आ चुकी है, तो मसीह विश्वासी इन बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ इन बातों को हल्के में मत लेना और इस वीडियो को आगे भी शेयर करना, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के अटैक, जादू टोना, किया धरा, ये सब चीज़ों से आप सभी विश्वासियों को, हम सभी विश्वासियों को बचकर रहना है। और अंधकार की शक्तियाँ इन दिनों बहुत ज़्यादा काम करती थी, ध्यान रखना, क्योंकि इस समय बहुत सी दुष्ट आत्माएं छोड़ी जाती थी, शैतान के चलते हुए तीर, वरन उतारे चढ़ावे होते थे, वरन वो सब होता था जो इंसान अपने छुटकारों को पाने के लिए दुनिया भर के उतारे चढ़ावे करता है, खुद का छुटकारा करने के लिए, अपना छुटकारा करने के लिए उतार कर उसको चौराहे पर रखता है, और चौराहे से कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जाता है, फिर वो चीज़ उसके साथ चल पड़ती है या उसका पैर लगता है। तो ये दुष्ट आत्माएं एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की, चाहे वो कितने भी सालों से थी, चाहे वो कोई श्राप था किसी की ज़िंदगी में, चाहे वो कैसी भी प्रकार की कोई पदरूहे थी या कोई बीमारी थी, कमी थी, घटी थी, परेशानी थी, जादू टोना था, मौत, एक्सीडेंट, कुछ भी, कोई भी गंदी दुष्ट आत्मा थी, तो वो ट्रांसफ़र होती थी। और प्लीज़ मेरे भाई और बहनों, कोई मनुष्य बुरा नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में प्रधानों, हाकिमों और अधिकारियों से है, जो अंधकार की सत्ता है, ध्यान रखना है हमें, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। तो विश्वासी लोग इस बात का खासकर ध्यान रखें, हो सके तो उपवास की प्रार्थना में रहने की कोशिश करें, अपने परिवार के लिए खासकर, कि इस होली के समय में किसी के साथ भी कोई मिसहैपनिंग ना होने पाए, कोई लड़ाई दंगा, कोई मौत, एक्सीडेंट्स ना होने पाए, और कोई किसी से दुश्मनी ना निकाले, प्यार प्रेम के चक्कर में कोई साइड वाइड में ले जाकर किसी को मार काट ना करने पाए, कोई बदला ना लेने पाए, कोई खून ना करने पाए, कोई नशा पत्ता, दारू, सिगरेट, गांजा नशा, या कोई किसी प्रकार से छिड़ाखानी ना करने पाए लड़कियों को, मतलब होली के बहाने या फिर रंग लगाने के बहाने, कोई एक्स्ट्रा फेयर से, कोई गलतर गंदी चीज़, व्यभिचार की आत्मा काम ना करने पाए प्लीज़, और नशे पत्ते के चक्कर, नशे पत्ते, गलत यारी दोस्ती में कोई अच्छा वाला इंसान बिगड़ने ना पाए, कोई गिरने ना पाए, कोई पाप के साथ हाथ मिलाने ना पाए, और कोई किसी से बदला नहीं लेने पाए, ध्यान रखना, क्योंकि बदले लेने के बहुत सारे तरीके हैं, खाने पीने में गलत गंदी चीज़ें मिला देना, रेप को लेकर, व्यभिचार को लेकर, मार धाड़ को लेकर, जहर खिलाने पिलाने को लेकर, मौका तो खुशी का है लेकिन शैतान इसका रूप ही बदल देता है, ध्यान रखना है हमें इस बात का। ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं, और विश्वासी इस बात के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि अगर घर में एक जना विश्वास में तो बाकी सारे विश्वास में नहीं है, कई बार ये परिस्थितियाँ हो जाती हैं, लेकिन दूसरे घर के कुछ लोग बनाना चाहते हैं होली, कुछ लोग जाना चाहते हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन एक विश्वासी इन चीज़ों को नहीं करना चाहता और वो रोकना भी चाहता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ विश्वासी का हिसाब किताब ऐसा होता है कि वो दब जाते हैं, और दूसरा एक ये भी बात होती है कि विश्वासी प्रभु के वचन को भी जानता है, दोनों तरफ हाथ पैर लगाता है कि भाई चलो मैं यहाँ भी आनंद मना लूँ, वहाँ भी आनंद मना लूँ, प्रभु तो आई माफ़ी मांग लेंगे, प्रभु माफ़ कर देगा, लिखा है जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करेगा वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा, बलवा करने वाले नष्ट हो जाते हैं। अगर हम पुराने नियम में करें पढ़ें तो लिखा है जिन लोगों ने बलवा किया था धरती फट गई और वो लोग उसमें अधलोक में समा गए, उनके उनके घराने, परिवार, उनके धन धन के समेत धरती ने उनको निगल लिया, ये लिखा है पुराने नियम में। और लेकिन आज प्रभु हमें सिखलाना चाहता है, मेरे भाई और बहनों सावधान करना चाहता है, प्लीज़ बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है इन बातों को लेकर, क्योंकि हमारे भले के लिए है, साफ बोलना, सुखी रहना, क्योंकि देखो अगर हम प्रेम करते हैं तो हम बुरा नहीं मानेंगे, ये हमारे भले के लिए बातें हैं, हमें अनुभव है इसलिए हम जानते हैं। और कोई गंदी से गंदी चीज़ खिलाने पिलाने को लेकर, बलि और नींबू, पर दुनिया भर के वो सारे उतारे चढ़ावे में क्या बताऊँ आपको, प्लीज़ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहोवा हमारे साथ है, लेकिन वो कब है, जब हम उसके साथ हैं, लिखा है तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिला करूँगा, तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटता है। अगर हम अपने खुदा के सगे नहीं है ना तो किसी मनुष्य के सगे नहीं हो सकते। खुदा कहता है इन रीति रिवाजों में हाथ मत मिलाना, अपने यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उससे मत डरना जो शरीर को नाश कर सकता है, उससे डरना जो आत्मा को नरक में डाल सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों इन अभिलाषाओं से बच के रहना, इन रीति रिवाजों से बच के रहना, अपने लोगों को सलाह देने की कोशिश करना, वो सलाह आपकी जब भी मान सकेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके 10 बार कहने पर भी ना माने, लेकिन आप उनको उनके हाल पर छोड़कर आपसे प्रार्थना करना, क्योंकि उन दूसरे लोगों ने, घर के परिवार वालों के कुछ लोगों ने, होता है कई बार ऐसे एक विश्वासी है, बाकी घर के बहुत सारे लोग अविश्वासी हैं, सारे विश्वास नहीं करते, विश्वासी लोग तो इन चीज़ों में कई बार इन्वॉल्व नहीं होते, कई बार इन चीज़ों में हाथ नहीं लगाते,
लेकिन जो करते हैं उनकी बात अलग है। देखो जो जाए जिसकी क्या जैसी करनी है वैसी उसकी भरनी है। जो आज्ञा तोड़ता है सर्प उसको ढसता है ना। लेकिन जो विश्वासी परमेश्वर का डर रखते कि भाई नहीं ये सब चीज़ें नहीं करनी है, प्रभु की दृष्टि में भली नहीं है और मैं अपने परिवार वालों को रोकूं, तो वो रुक नहीं रहे। तो सिर्फ प्रार्थना करनी है, किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, घर में लड़ाई दंगा नहीं करना है। इस बात के लिए भी ज़रूर प्रार्थना करनी है प्रभु, किसी घर परिवार में कलेश ना होने पाए, कोई लड़ाई दंगा ना होने पाए, कोई किसी की कोई हत्या ना होने पाए, कोई जान माल की हानि ना होने पाए, कोई तोड़ा फाड़ी ना होने पाए, कोई इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करने पाए, कोई लड़कीबाजी ना होने पाए और कोई ये रंग में इन सब चीज़ों में कोई गलत और गंदी मिलावट ना होने पाए। इस बात का ध्यान रखना है। कोई खाने पीने में कोई गलत और गंदी चीज़ खिलाने ना पाए, बदला लेने के लिए मीठे के चक्कर में कुछ उल्टी सीधी आदत होने की चीज़ खिला दी तो दिमाग घूम गया, फिर अच्छी वाली ज़िंदगी बर्बाद, क्योंकि हम जानते हैं, मैं सच बतला रहा हूँ आपको, हमारे घर में ऐसा हुआ था। और बहुत कुछ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते, लेकिन प्रभु ने हमें बहुत बड़े बड़े अनुभव दिए हैं। ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। वो अनुभव आपको इसलिए दिए जा रहे ताकि आप सावधान बने, क्योंकि ये समय ऐसा है, लिखा है समय का बहुमूल्य जानो। और शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़का है, वो तो बहुत चौकन्ना था एक विश्वासी को बर्बाद करने के लिए। वो तो बस बहाने ढूंढ रहा था कि कब किसको मारूं, कब कौन आज्ञा तोड़े, कब उसकी ज़िंदगी में काम करूं, कब उसकी आशीष छीनूं, कब घर में लड़ाई दंगा करूं, कब विरोध खड़े करूं, कब हत्या करूं, या कब कुछ ऐसा करूं ताकि कब किसको ऐसा क्रोध दिलाऊं कि क्रोध में आकर या तो खुद मार ले अपने आप को या तो दूसरे को मार दे। ये शैतान की चाल है, इसलिए प्लीज़ सावधान रहना है। अगर कोई भी आपको घर में ऐसी वैसी बात लग रही तो नम्र रहना, चुप रहना, अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाने का टाइम है, ये प्रार्थना उपवास में रहने का टाइम है, इस बात का खासकर ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए ये प्रार्थना करना, प्रभु यीशु तेरे लहू के बाड़े में हमें कवर करते हैं, तेरे लहू में हमें छिपाते हैं, तेरे स्वर्ग के दूतों का पैरा हमारे चारों तरफ लगाते हैं। प्रभु तू हमें शैतान की चालों से, लड़ाई दंगे से, मौत एक्सीडेंट से, बीमारियों से, महामारी रोगों से, दुष्ट के जलते हुए तीरों से, जादू टोने से, प्रभु जी आप हमें बचा कर रखना। और आपके पास अगर तेल और पानी है उसके ऊपर हाथ रख के दुआ करना, बोलना यीशु तेरे लहू की सामर्थ्य इस तेल पानी में आ जाए, हम प्रार्थना से शुद्ध करें। देखो जैसा आपका विश्वास वैसा होगा, अगर आप विश्वास से प्रार्थना करोगे तेल पानी पर तो उसमें सामर्थ्य आएगी परमेश्वर की, और उस पानी को घर में छिड़क सकते हो, खाने पीने में मिला सकते हो। विश्वास से करना, ये मत सोचना किसी पास्टर से कर लो करवा लो, भरोसा अपने परमेश्वर पर रखो, वो पास्टर भी खुदा से ही दुआ करेगा, मनुष्य की ओर नहीं ताकना, खुद भी करना होगी दुआ तब भी काम करेगा प्रभु। अगर पास्टर से हो सकता तो कर लेना, नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी कोशिश करना, लेकिन किसी मनुष्य की ओर ताक कर अपने कामों को मत छोड़ देना, ठीक है। जितना बताया जा रहा उतना करना। अगर पास्टर से फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, किसी से बातचीत नहीं हो पा रही, अगर आपको लग रहा है अकेले पड़ गए कैसे करूं, तो आप खुद भी कोशिश करो। अगर आपके पास पहले का प्रार्थना का पानी तेल पड़ा है तो उसको इस्तेमाल करो, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखना। अगर घर के विश्वासी हैं सारे लोग तो उनके सर पर प्रार्थना का तेल लगाओ, हल्का सा, हल्का चाहे डॉट ही लगा दो, प्रभु तेरे लहू में सील करते हैं इसको, तेरे प्रार्थना के लहू के बाड़े में इसको कवर करते हैं, तेरे स्वर्ग को पैरस के चारों तरफ लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई घर से जाता भी है या कहीं किसी भी तरीके जा रहा है, कुछ लेने देने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ ये प्रार्थना करें, प्रभु तू उसके साथ जा, इनकी रक्षा करें, इनकी सुरक्षा करें, बच्चों की, मेरे पति पिता, इनके बच्चों की, इनकी फैमिली की, जिस किसी के भी साथ का, अगर कोई जा रहा है, कहीं जा रहा है, अगर कुछ सामान भी लेने जा रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, कोई भी बड़ा बूढ़ा, तो ये बोले प्रभु यीशु उनके साथ जाना, उनकी रक्षा सुरक्षा करना, सही सलामत लेकर आना। इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतारे चढ़ावे होते थे इन दो दिन। आपको सावधानी बरतनी है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना का तेल अपने दरवाजे पर लगा सकते हो, अपने ऊपर लगा सकते हो, अगर कोई घर में आता है तो इन बातों का ध्यान रखना। देखो प्रभु के वचन को इज्जत देनी है, अपनी तरफ से बस साफ क्लियर कर, देखो अभी नहीं तो कभी नहीं, क्लियर करना ज़रूरी होता है। देखो भाई मैं विश्वास करता हूँ, मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखता हूँ, बोल्ड बनना पड़ेगा प्रभु को, प्रभु के विषय में सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई देख मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। सामने वाले के सामने हमें अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि हम मसीह, हम प्रभु को जानते हैं और हम इन कामों में लिप्त नहीं होते, हम दिल से प्रार्थना करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, कामों से प्रकट करते हैं। देखो अगर हम देखें तो इस बात को भी आप समझ सकते हो और सिखाने को सिखा भी सकते हो, कह भी सकते हो। देखो किसी के गुलाल लगाने से प्रेम प्रकट नहीं होता है, कामों के द्वारा प्रेम प्रकट होता है, कि पीठ पीछे और मुंह पर हम लोग कैसे हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में कितना प्यार है, ये भी बता सकते हो। प्रभु हमें सिखलाता है शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, क्षमा करो, दोष के बदले दोष मत लगाओ, चांटे के बदले चांटा मत करो, वरन गाली के बदले गाली भी मत दो, और दया ही करो, मतलब दया ही करो, और वो भी हमारे कामों के द्वारा प्रकट हो। ये नहीं कि हमने गुलाल लगा दिए, एक दूसरे को रंग बिरंगा कर दिया, लेकिन मन में गालियां भर रखी हैं, बदले की आग है, गुस्सा है, कुड़कुड़ाहट है, जलन है,
ये इसको तो छोड़ूंगा नहीं, चल कोई नहीं लगा दिया, अरे इसका तो मुंह ही ऐसा है, इसके तो कपड़े ही ऐसे है, तो रहती ऐसी है, अरे छोड़ो ना, चलो निकलो यहाँ से, ये है वो है, जो 36 बातें, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे पति के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरी फैमिली के, मेरे लोगों के साथ, धन को लेकर इसने धोखा दिया, गाली गलौज की, मेरी चुगली की, मेरी बेइज्जती कराई इसने, अरे इसके साथ क्यों जाऊँगी, चलो ठीक है मैं गुलाल लगा दी, फिर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बहुत सारी बातें होती हैं, प्लीज़ हमें दूसरे के समान नहीं बनना है, हमें अपने कामों के द्वारा, प्रेम के द्वारा प्रकट करना है। ज़रूरी नहीं है आज के दिन ये सब काम करें, आगे पीछे कितने सारे दिन पड़े हैं, उसमें भी प्रभु के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। कि यही नहीं करना हमें कि गुलाल लगा कर जगह जगह जा गुलाल लेकर जगह जगह जाकर ये रंग बिरंगा करें, खुद भी और दूसरों को भी करें और दिखाएं हम, आप भाई हाँ हम भी होली मनाते हैं और हम भी बहुत खुश हैं। लेकिन अगर हम सच्चाई को देखें ना, लोगों के चेहरे तो रंग बिरंगे होते हैं और ये सच बात है, और लोगों की ज़िंदगी में भी पाप बुराइयाँ और दुख भी रंग बिरंगे होते हैं, जो उनके चेहरे पर उस दिन दिखाई तो नहीं देता क्योंकि रंग से चेहरा ढक जाता है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर कितना रोते हैं, दुखों, दर्द, पीड़ा, बीमारी, परेशानी, घटियों में, आंसुओं में, तकलीफ़ों में, अकेलेपन में, त्यागे गए, छोड़े गए और मतलब मक्खी के समान दूध में से निकाल कर फेंक दिए गए, वो तो वो ही जानते हैं। लेकिन खुदा हमारे टूटे पिसे मन को चंगा करता है, हमें क्षमा करता है, हमें चंगा करता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमारे आंसू की शुद्धि लेता, हम पर दया करता, अनुग्रह करता, हमें बढ़ाता, हमें छुड़ाता, हमें सीने से लगाता। प्रभु सब कुछ है हमारे लिए, इस संसार के इस कुछ समय के प्रेम, इस कुछ समय के आनंद में मत जुटना, क्योंकि अगर इस आनंद में जुट गए ना संसार के साथ, तो ध्यान रखना प्रभु का आनंद हम में से चला जाएगा। ये वचन में लिखा है कि संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये नहीं कि विश्वास करते हैं मसीह पर लेकिन काम भी वैसे ही कर रहे जैसे पहले करते थे, व्यवहार, विचार, काम और शब्द व्यवहार सब कुछ वैसा ही पहले के जैसा, कुछ बदला ही नहीं है, बस हमने नाम बदल लिया जिस पर हम भरोसा रखते हैं। पहले दूसरे देवता पर करते थे, आज सिर्फ यीशु पे करते हैं, लेकिन काम हमारे पहले वाले ही हैं। ऐसा नहीं करना है, लिखा है जो शरीर के अनुसार चलता है वो विनाश की कटनी को काटता है, वरन जो आत्मा, जो वचन के अनुसार चलता है वो अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। वचन का वचन कहता है, वचन ये है कि तुम दो नाव में पैर मत रखना और तुम दूसरी मेज में से मत खाना और तुम दो दो ईश्वर को मत चुनना। आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, अनंत काल का जीवन देने वाला, नरक से बचाने वाला, पापों को क्षमा करने वाला, उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मृत्यु के फंदे से बचाने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह जिसने आपके लिए जान दी, उसको चुनोगे या उनको चुनोगे जिसे तुम जानते भी नहीं थे, जिसने तुम्हें जिसमें बचाने की तुम्हारी सामर्थ्य है, जिनके मुँह तो रहता है वो बोल नहीं सकती, आंखें तो रहते हैं देख नहीं सकती, कान तो रहते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते, ना उनके कुछ भी सांस चलती है, उनको पूजने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि ये वचन में लिखा है। इसलिए प्लीज़ मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस एक शिक्षा और चेतावनी देना चाहता हूँ जो वचन में लिखी है वो आपको बताई है, ताकि आप लोग फटका ना खाओ, ताकि आप लोग दुख ना उठाओ, फिर बाद में मत कहना अरे होली तो बना लेती है, बीमारी कहाँ से होगी, तकलीफ कहाँ से होगी, अरे घर में लड़ाई दंगा कैसे हो गया, अरे घर में इतना सारा ये तिगड़म कहाँ से हो गई, ये दुष्टात्मा के अटैक कहाँ से हो गए, अरे चोट कहाँ से लग गई, ये परेशानी कहाँ से होगी, नुकसान कहाँ से हो गया, पैसे कहाँ से चोरी हो गए, इससे विरोध कहाँ से हो गया, अरे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही है, अरे प्रभु ये नुकसान कैसे हो गया, ये पैसे कहाँ से चोरी हो गए, सैलरी क्यों रुक गई, प्रभु ये काम क्यों बिगड़ गया, प्रभु हमारे परिवार क्यों खराब हो गया, रिश्ते क्यों टूट गए, कोर्ट केस क्यों हो गया, कर्जा क्यों हो गया, गरीबी क्यों हो गई, घटी क्यों आ गई, प्रभु दर्द पीड़ा क्यों हो रही है, फिर बाद में मत कहना, बहाने होते हैं शैतान के, वो किसी भी तरीके से किसी के भी जिंदगी में कैसे भी काम कर सकता है, लेकिन वो जब काम करता है, जब एक विश्वासी खुद मौका देता है एक शैतान को, लिखा है और शैतान को अवसर मत दो कि वो तुम्हें फाड़ खाए, इसलिए सावधानी बरतनी है, जो बाड़ा तोड़ता है सर्प उसको डरता है, सर्प कौन है, शैतान है, और शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, बड़ा क्या है, परमेश्वर की आज्ञा, इसलिए हमें आज्ञा के अंदर रहना, आज्ञा पालन के साथ नम्र और दीन रहना है, हमें संसार का सदृश्य नहीं बनना है। अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे साथ करा, जबरदस्ती करा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपनी तरफ से नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी तरफ से नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई आपके जबरदस्ती गुलाल लगा भी दिया तो आप बुरा मत माना, कोई बात नहीं, घर पर आ जाना, अपने आप को यीशु के लहू से धो लेना, बोलना प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझसे माफ़ कर, उसके भी पापों को क्षमा कर, उस पर दया कर प्रभु जो मुझसे गलती हुई, या उस व्यक्ति ने जो भी ऐसा किया उसको भी क्षमा कर दे प्रभु, मुझे भी क्षमा कर दे, मेरी किसी गलती के कारण कुछ ऐसा वैसा हुआ। आप महात्मा धो लेना, प्रार्थना करना छोटी सी अपने लिए, सर पे तेल लगाना, प्रभु दया करेगा, अगर आप बदलना चाहते हो तो, अगर आप पश्चातापी हृदय रखते हो तो आप पर दया करेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपने हिस्से का काम ये करना है कि आपको अपनी तरफ से इन कामों में हाथ नहीं मिलाना है, अपनी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, ना ही किसी मनुष्य को खुश करने के काम करना, खुश करोगे तो सिर्फ खुदा को करो, अगर खुदा आपके पक्ष में है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। अगर आज मनुष्य को खुश करने के लिए कर रहा है ना इंसान, तो मनुष्य लात मारता है, एंड में खुदा के पास ही मनुष्य घूम कर आता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दे,
उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसके चक्कर में तुझे छोड़ दिया था, लेकिन उसी ने मुझे धोखा दिया, आज मैं फिर से तेरे पास आया हूँ। ये बहुत सच्चाई है। आज इंसान मनुष्य को खुश करता है और खुदा को अपना बैरी बना लेता है। संसार में कोई और बचाने वाला नहीं है। फिर यही टाइम होता है मैं खुदा को रिप्रेजेंट करने का, खुदा के नाम को ऊंचा करने का, खुदा की महिमा करने का, ये प्रकट करने का कि खुदा हाँ चौड़े में भी मैं तेरा अंगीकार कर सकती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं बतला सकती हूँ कि मैं इन कामों में हाथ नहीं मिलाती और मैं कामों से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने का हूँ। इस बात का ध्यान रखना है और किसी के ठोकर का कारण भी नहीं बनना। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखना है। ये नहीं कि हम विश्वासी होने के बाद भी रंग होली गुलाल ये सब चीज़ें कर रहे हैं और दूसरे लोग क्या सोचेंगे, अरे तो मसीह होने के बाद भी ये सब चीज़ कर रहे हैं, चाहे ये भी कर सकते, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमारी स्वतंत्रता किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, इस बात का खासकर ध्यान रखना। और शैतान को बिल्कुल भी अवसर मत देना, इस बात का ध्यान रखना है मेरे भाई और बहनों। शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। शैतान क्या घात करता है? हमारे तन, मन, धन, हमारे आशीर्वाद का, चंगाई, छुटकारा, इन सब चीज़ों को शैतान चुराना चाहता है, घात करता है और वो नाश करता है एक विश्वासी के जीवन को। और विश्वासी कहता है प्रभु मैं तो कहा गया कोई तोड़ी नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। विश्वासी फिर खुदा पर दोष लगाता है लेकिन अपनी गलती वो देख नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, शैतान उसकी आंखें अंधी कर देता है। फिर वो विश्वासी टूट और पिस कर खुदा से दूर हो जाता है लेकिन अपनी गलती कभी समझ नहीं पाता कि मेरी गलती के कारण मेरी ज़िंदगी में शैतान ने काम किया और मैं खुदा पर दोष लगाती हूँ, खुदा पर दोष लगाता हूँ और माफ़ी भी नहीं मांगते। कई बार तो इंसान पश्चाताप नहीं करता, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, मैंने तो कुछ गलती की नहीं, ये तो गलती थोड़ी ना, इतना भी नहीं करेंगे, अच्छा ये भी मना करता है, वो भी मना करता है। मेरे भाई और बनाज तो बहुत बार एक विश्वासी बहस भी करता है। लिखा है जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजे को ग्रहण करेगा और जो व्यक्ति इस वचन को ग्रहण करेगा ना वो खुदा को ग्रहण करेगा। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि हमें यार आनंद नहीं मनाने देते, मसीह जीवन कैसा है ऐसा है, वही संसार का आनंद परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो कुछ पल का है। उस आनंद के चक्कर में आप अनंत जीवन का और भरपूरी का आनंद जिसमें दुख नहीं मिला वो आप उस आनंद को खोओगे क्या? नहीं खोना है। संसार का आनंद झूठा है, कुछ पल का है, इसकी नकाब है, इसके पीछे का दुख नहीं जानते हैं लोग। इस आनंद में क्या छुपा है? हमने मना बनाकर हम यहाँ आए थे, जब हमें कुछ नहीं मिला तो हमने सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर किया, हमें पता चला सच्चा आनंद किसे कहते हैं। मेरे भाई और बहनों दूसरों के दुखों में दुखी होना, दूसरे को खुशियों में शामिल होना, कौन सी खुशी? जो प्रेम से भरी, जो पवित्रता के साथ है। ये नहीं दूसरा व्यभिचार करके खुश हो रहा तो मैं भी उसके साथ खुश हो जाऊँ व्यभिचार करके, नहीं, पाप के साथ मूर्ति पूजा, दुनिया भी कामों शैतान की चालों में, ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, विद्या की चीज़ें बदला लेने में खुश हो रहा है तो मैं भी खुश हो जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं। वचन के अनुसार जो बात है सिर्फ उसमें हमें खुशी होना और आनंदित होना है मेरे भाई और मैंने। हो सकता है थोड़ी बात कड़वी लगी हो लेकिन कड़वी गोली असर करती है, जिसका असर आपको बाद में पता चलेगा। अगर शैतान ने आपको मीठी गोली दी है ना, लग सकता है कि हाँ ये ठीक है आपके आपके अनुसार आपकी परिस्थिति को लेकर, अरे ये ठीक है चलो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन उसका असर बाद में पता चलता है। कहते हैं ना कि बाद में बरसाने से क्या फायदा, अब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद उठने का मौका नहीं मिला, इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी बरतना, चुनाव अभी आपके सामने है, अभी समय नहीं निकला है। हालेलुया, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस वचन को आगे भी शेयर करना। प्रभु का आत्मा लोगों से बात करेगा। उपवास और प्रार्थना, चाहे आप 2 घंटे चाहे 1 घंटे का उपवास करो, कोई बात नहीं। उपवास और प्रार्थना, अपने घर के लिए प्रार्थना करना, अपने फैमिली के लिए, अपने अगुओं के लिए, अपनी कली से, अपने लोगों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, जो लोग होली मना रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना, अपने घराने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु किसी की भी गिनती ना घटे, सबकी बंद बुद्धि खोल, सब तेरे नाम पर विश्वास करें, सच्चे आनंद को जाने वो लोग, इस दुनियावी रंग त्यौहार में भरोसा ना रखें, इन चीज़ों में ना जाएं। प्रभु लोग दुनियावी खुशियां दिखला रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है लेकिन अंदर दुख और बीमारी, परेशानी और आंसू से टूटे पीसे पड़े थे बहुत से, क्या बताएं किसके बारे में, जिसके साथ बीतते वही जानता। हमें मालूम है ना, हमारे घर में हर त्यौहार पे लड़ाइयाँ होती थी और जब कोई आता था ना चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, वो दिन याद आता है आज भी मुझे। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कोई दिन कोई त्यौहार हमारे घर पे ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा के ऊपर बहुत खतरनाक जादू टोना हो रखा था। अपनी शर्टें फाड़ते थे, छातियाँ पीटते थे, गाली गलौज करते थे, बहुत मारते थे। और मतलब जब घर में कोई आता था बहुत, मतलब सब ऐसा लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता था कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ, हम जानते हैं, अनुभव ही हैं। लेकिन जब खुदा में आए ना तो प्रभु ने हमें बदल दिया, हमें सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया हमारे परमेश्वर। आज मेरे पापा प्रार्थना करते हैं और आज उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करता है। कहा मेरे पापा पहले ड्रिंक करते थे, घर में लड़ाई दंगा करते थे, आज दूसरों के लिए प्रार्थना करते, दूसरों की ज़िंदगी में काम होते, ये प्रभु का ग्रेस है। ये चमत्कार, ये सब बदलाव पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम यीशु को नहीं जानते थे। जिस डॉक्टर की इंसान को दवाई लगती है वही उसके लिए खुदा है। जब हम ठोकर खाने के बाद सब कुछ
दुख उठाने के बाद जब हम यीशु के पास आए ना, तो यीशु की दवाई हमने अच्छे से खाई, मतलब यीशु पर भरोसा हमने अच्छे से रखने की कोशिश करी। गिरे, आंधी तूफान आए, लेकिन खुदा ने हमें दूर नहीं होने दिया, हमें डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। गिरे बहुत बार, गलतियाँ हुई, आज भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु कहता गलती होगी ना, मान ले, इस बात से सीख ले, दोबारा से गलती ना हो, ताकि तेरा नुकसान ना हो, ताकि तू ठोकर ना खाए, ताकि तू कुछ खोए ना, तेरी आंखों में आंसू ना आए, ताकि तेरे को कोई तकलीफ ना हो, इन बातों से सीख ले। इसलिए उन बातों को सीख सीख कर आगे बढ़े, दूसरों के अनुभव से सीख कर आगे बढ़े, ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ। इसलिए बातें, ये वाली सी सब बात आपको बताई जाती है। हालेलुया। तो उपवास की प्रार्थना, और हो सके तो घर में ही रहना, ज़्यादा घूमने फिरने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सारे शैतान की चालें हैं। कौन, हमें नहीं पता कि कौन सी दुष्टात्मा किसके चिपकी पड़ी थी, कौन सी दुष्टात्मा में कौन सा व्यक्ति है, नशे पत्ते, गंजड़ी फुकेड़ी, शराबी, किस किस इंसान गले मिल मिल कर हमारे घर आ रहा है, जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे हाथ मिला रहे हैं, बहुत गंदी दुष्टात्मा ट्रांसफर होती है। प्लीज़ सावधानी बरतना। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन वो गंदी शक्तियाँ जो किसी के भी अंदर होकर काम करती हैं। मनुष्य से नफरत मत करना, मनुष्य से प्रेम प्रकट करना, ऐसे टाइम पर भी ध्यान रखना। किसी को धक्के मार के घर से बाहर मत निकालना, कड़वाहट मत रखना, बुराई मत करना, गाली गलौज मत करना, लड़ाई भड़ाई मत करना, ये प्रभु हमें नहीं सिखाता है। चाहे सामने वाला हमें गुलाल रंग लगाने के लिए आ रहा है, लेकिन आपको ये बात प्रकट करनी है कि हाँ, मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास करता हूँ, मैं इन सब कामों में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ, ये लो आप कुछ खा पी के जाओ। उनके रिस्पेक्ट करना दिल से, ऐसी रिस्पेक्ट करना कि उनका गुलाल रंग बिरंगा जो था वो फीका पड़ जाए। आप प्रभु के रंग को दिखाना, प्रभु के खून के, प्रभु के लहू के रंग को दिखाना, कि उस लहू में कितना दम है, कितनी सामर्थ है, वो खुदा का प्यार, उसके प्यार के खातिर आज हम जीवित हैं। वो सच्चा प्यार है कि उसने अपनी जान दे दी हमें बचाने के लिए, सच्चा प्यार वो है, और वो आज भी जीवित है हमें बचाने के लिए, उठाने के लिए खड़ा है हमारे साथ, हमारे पास, हमारे संग। बतलाना लोगों को कि यीशु मसीह परमेश्वर है, कोई चाहे कोई माने या ना माने, छोड़ दो, अपने से का काम करना, बस वो उस टाइम पर प्रेम प्रकट करना। कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो कोई बात नहीं, सामने वाला है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लड़ाई भिड़ाई भी मत करना, ज़बरदस्ती मत करना। आप अपने आप देखो, कोई गुस्से ऐट में टैट होकर या कुछ भी गलत तरीके से आपके ज़बरदस्ती लगा कर चला गया, कोई बात नहीं, आप उदास मत होना। प्रभु को पता है आपके दिल की, कि मेरी बेटी तू नहीं चाह रही थी, कोई दिक्कत नहीं, तूने तो नहीं करा ना, मैं उदास नहीं हूँ। चल कोई बात नहीं, अपने वस्त्र झाड़, कपड़े झाड़, हाथ मुँह धो ले, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तेरे को, चिंता मत कर। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि आप गर्दन पकड़ लिए, उसकी चांटे वाटे मार दिए, गुस्सा कर लिया, गाली वाली कर दी, नहीं। ऐसे टाइम पर कि खुदा का नाम खराब ना हो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है घर में घुसकर, मतलब किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, लेकिन आप बेबस हो रहे थे, आपकी वो मान ही नहीं रहा था, तो प्लीज़ कोशिश करो पहले तो समझाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके चला गया आपके लगा, तो कोई बात नहीं। उसके जाने के बाद अगर वो लगा भी दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं, आप मत, आप कोशिश करना कि आपके द्वारा ना हो। इस बात का ध्यान रखना कि सामने वाले ने लगा भी दिया, कोई बात नहीं, आपको बस परमेश्वर का प्रेम प्रकट करना। उस समय गुस्सा मत करना, गाली गलौज मत करना, चांटा वाँटा मत मारना, और पहले से अगर आप अपने आप को लहू में ढाँप के रखोगे ना, कुछ नहीं होगा। अगर कोई आता तो ये प्रार्थना करना, प्रभु सारा किया तरह घर के बाहर बेअसर हो जाए, जब दरवाज़ा खोलना अपना, ठीक है, सिर्फ एक दो शब्द बोले, प्रभु सारा किया तरह घर के बाहर बेअसर हो, कोई शैतानी चाल हमारे घर में लागू ना होने पाए, हमारे घर में जीवन में लागू ना होने पाए, प्रभु तो बचा के रखना हमें। अगर आप पहले से ही प्रार्थना करके रखोगे, मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कुछ भी गंदी से गंदी चीज़ कुछ भी आपके घर में एंटर नहीं कर सकती, चाहे वो चुराई की थी, चाहे वो कोई व्यक्ति अगल बगल से आ रहा था वहाँ से लगी थी, चाहे वो कोई खुद करके लेकर आ रहा, किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो शैतान डराता है। कहते हैं ना, मत डर, विश्वास कर, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और ये वचन ज़रूर बोलना, प्रभु याकूब के घराने पर कोई झाड़फूँक कोई तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर सकती, तो आपकी ज़िंदगी में कोई झाड़फूँक कोई तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर पाएगी, कितना भी कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले। अरे हमारे घर के सामने दो गुड़ियाँ फेंक दी थी, पता नहीं कहाँ से आई, काले रंग की थी। उस समय मैं और मेरी वाइफ ही रहते थे, बच्ची अभी मेरी बेटे को एक साल ही हुआ, एक डेढ़ साल पहले की बात बता रहा हूँ। जादू टोटा हमारे चौतरे पर लड्डू रखा था, और छह तरीके के छह कोयले रखे थे लाइन से, बहुत कुछ हुआ था। हम नहीं डरते बिल्कुल किसी चीज़ से, अरे हम तो तुरंत वचन बोलते हैं, और 1% भी कोई नुकसान नहीं कर सकता हमारा, हमें मालूम है हमारा बाप कितना सामर्थ्य है। ये सब चीज़ें तो हमारे वश में रहती हैं, वश में, और शैतान हमें छू नहीं सकता, ना ही लड़ना ना ही भिड़ना। ना तो हमने अगल बगल वालों को गाली बकी, ना हमने किसी का बुरा भला कहा, हमने तो बस मैं तो आज यही कहता प्रभु सबको आशीष, जिसने भी किया उसकी बंद बुद्धि खोल, वो भी तुझे जाने,
उसको बता प्रभु इन चीज़ों का असर हम पर नहीं होता है, उसकी बंदबुद्धि को ले, वो तेरे बड़े कामों को देखे जिसने हमारे पर जादू टोना करने की कोशिश करी है। प्रभु उसको बता कि हमें इन चीज़ों के कोई असर नहीं पड़ते और ये सब चीज़ हमारे वश में है, वरना ऐसे लोगों को हम आज़ाद करते हैं। जिसने भी ये काम किया उसकी बंदबुद्धि को ले, उसकी वो उसका मन तुझ में लगे, वो तेरे नाम पर विश्वास करे। हम तो दुआ करते हैं, लड़बड़ कर किसी से कोई फ़ायदा नहीं है, करने वाला करके चला गया, लेकिन आप विश्वासी हो तो मैं कह रहा हूँ कोई आपका बाली विवाह का नहीं कर पाएगा। तेरे निकट हज़ार तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर तुझे महामारी मानरोगों से, बहेली के जाल से, स्तन की चालों से, दुष्ट के जलते हुए तीरों से, अजगर सिंह और सांप से बचा कर रखेगा परंतु उनको लताड़ेगा। समझना इस बात को, प्रभु है हमारे साथ में, प्रभु सामर्थ्य है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई कितना भी ज़ोर ज़बरदस्ती करे तो कोई बात नहीं, जब वो चले जाए तो घर में आप छोटी सी प्रार्थना करना, अपना हाथ मुंह धो लेना, बस बात खत्म, बोलना प्रभु तेरे लहू को मुझ पर लगाता हूँ, तेरे लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूँ, मैं विश्वास करती हूँ करता हूँ, आमीन। बस दो शब्द की प्रार्थना बहुत है, आग लगा देगी आपकी। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा की आग ऐसे अंदर लगा देगा मेरा खुदा, आपके अंदर से सारा डर निकल जाएगा, आपके ज़िंदगी में प्रभु का आत्मा इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर ऐसी आग लगा देगा कि आपके अंदर से डर निकल जाएगा। अरे ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके मन में। आपको सिर्फ एक प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु तेरे लहू को मुझ पर मिले, मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर, तुम्हारे घर तन मन धन पर लगाते हैं, हमारी फैमिली पर लगाते हैं, इस घर पर लगाते हैं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक हमें नहीं होगा, कोई झाड़पू, कोई तंत्र मंत्र विद्या हमारे ऊपर काम नहीं कर सकती है। प्रभु यीशु तेरे लहू से, तेरे नाम से, मैं, मेरा घराना, हम सब शुद्ध हैं। यीशु के स्वर्गदूतों का पैरा हमारे चारों तरफ लगाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बस होगी छोटी सी प्रार्थना, आपको ये भरोसा करना है कि हाँ प्रभु की आग का बाड़ा, स्वर्गदूतों का पैरा, यीशु के लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा है, वो शैतान हमें छू नहीं सकता, वो जल गया है, परमेश्वर की आत्मा की आग हमारे अंदर है और उस आग से वो जल गया है, सब अशुद्ध चीज जल चुकी है, आमीन। तो इस बातों का ध्यान रखना, प्लीज इस वचन को आगे भी शेयर करना। तो प्रभु आशीष से आप सभी को, जय मसीह की।